वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सपना चौधरी, जिनके ठुमकों पर फैंस मचल उठते हैं, जिनके गानों पर फैंस थिरक उठते हैं, कभी उनके शो पर हंगामा होता है तो कभी गानों और डांस पर विवाद होता है। लेकिन इस बार मुसीबत इससे भी बड़ी आई है। लखनऊ कोर्ट ने सपना चौधरी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। लाखों दिलों में धड़कने वाली सपना इस बार बड़ी मुश्किल में है। कोर्ट ने ये वारंट उनके एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनका रुपया वापस नहीं करने के मामले में जारी किया है। दरोगा फरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का कई और कलाकारों के साथ 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक प्रोग्राम था, जिसके लिए 300 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बेचे गए थे। सपना को देखने के लिए स्मृति उपवन में हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन जब सपना रात के 10 बजे तक कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो भीड़ ने टिकट के पैसे वापस करने की मांग करनी शुरू कर दी और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन आयोजकों ने भीड़ को पैसे नहीं लौटाए। सपना के साथ कार्यक्रम के आयोजक भी मुकदमे में आरोपी हैं। साल 2016 में सपना चौधरी उस वक्त लाइमलाइट में आई जब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। 17 फरवरी 2016 को गुड़गांव के चक्करपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चौधरी ने रागनी बिगड़ गया गाई थी। इसमें दलित समाज के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से दलित समाज के लोग भड़क उठे और उन्होंने सपना के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। ये बात इतनी बढ़ गई कि सपना के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू हो गया। लोग सपना को मैसेज भेजकर परेशान करने लगे। इन सब बातों से परेशान होकर सपना ने जहर खा लिया था। हालांकि इलाज के बाद सपना सही होकर अपने घर वापस आ गई। जून 2017 में सोशल मीडिया पर सपना की 4-5 ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिन्हें देखकर लग रहा था कि सपना एक होटल के कमरे में पुलिस के साथ मौजूद है। इन तस्वीरों को देखकर खबरें आई कि पुलिस रेड में सपना चौधरी को पकड़ा गया है। हालांकि जल्द ही इन तस्वीरों का सच सबके सामने आ गया। जांच में पता चला कि ये तस्वीरें हरियाणा में सपना चौधरी के एक शो की हैं। सपना चौधरी बिग बॉस में भी विवादों में रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।